देख सकते हैं पेड़ी में काफी ज्यादा घास है और दोबेल में। ये बांधने के बाद दोस्तों और तो न्यार है नहीं साइड में और नहीं लेके जाने के अब और यहाँ का। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हम जा रहे हैं चारा लेने भैंसों के लायक सुबह और मेरा भाई स्टार्टर लेकर जा रहा है जो कि कोया देख सकते हैं स्टार्टर खा गया और अब हम घर जंगल जा रहे हैं। स्टार्टर आ गया है आप देख सकते हैं और मेरा भाई अब तार डाल रहा है और तार डालने के बाद हम जा रहे हैं चारा काटने आगे ईखो में जो कि डोलो की साइड होता है और हमारे गन्ना देख सकते हैं मरज आ गया है इसमें और हम जा रहे हैं। अब दोस्तों हम दांती और लेके आए हैं और रस्सी भी लेके आए हैं जो इसमें बाजरा लेके जाएंगे और मेरा भाई मेरे पीछे चल रहा है आप देख सकते हैं और ये एक कल भर दी है और इसे हमने खोदा था और विधाया था और हमारा एक पेड़ जो कि ढाया हुआ भी है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाला पेड़ ढाया हुआ है दोस्तों और इधर से हम बाजरा काटेंगे अब चलते हैं। ये जो कि डोलो पर है बाजरा और दोस्तों ये ईखो में है और अब हम काटेंगे आपको हरा दिखाऊंगा और ये दोनों मेरे भाई हैं। एक गड्डी दोस्तों हमारी चल दी है और अभी हमें दो गड्डी काटनी है और इधर से काटा जा रहा है और आगे मेरा भाई काट रहा है आपको दिखाऊंगा। अभी सूरज की लाइट ज़्यादा निकल रही हो गई है और ये जंगल का व्यू है हमारे यहाँ का। अब मैं दूसरी गड्डी चढ़ा रहा हूँ और एक गड्डी चली गई और दूसरी गड्डी ये रही और कुछ बाजरा मैं लेकर आ रहा हूँ फिर जो कि मैंने काटा है और ये भी काटा है और ये वाला भी बाजरा काटा है और मैं इसे उठा के गड्डी पे चढ़ाता हूँ। दोस्तों मैंने अब हमने दूसरी गड्डी चढ़ा ली है और इस गड्डी पर मेरा भाई और थोड़ा सा हरा लेकर आ रहा जो कि चारा बोलते हैं मक्की चरी और आप देख सकते हैं ये मेरे भाई ने रख दी और अब ये गड्डी बांधेंगे और घर लेकर जाएंगे और आपको दिखाऊं मेरा भाई अब बांध रहा है। ये बांधने के बाद दोस्तों और तो न्यार है नहीं साइड में और नहीं लेकर जाने के अब और यहाँ का हमारे खेतों का व्यू देख सकते हैं। दोस्तों अब हम चल दिए घर और ये हम ईखो में सब काट रहे हैं और यहाँ का ईखो में का आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ईखो में नज़ारा लगता है व्यू जिसे दृश्य भी बोलते हैं। धोरे पता कौन दोस्तों हम सुबह ले गए थे भैंसों के लिए चारा और अब शाम के बज गए थे चार जो कि हम ईखो में बेल उपाड़ने आए हैं और मेरे पापा जी भी आए हैं और उधर उपाड़ रहे हैं और ये दो बीघा का खेत है जो कि सफीपुर में है और अब हम ईख में बेल देख रहे हैं और आपको दिखा सकता हूँ उधर मेरे पापा जी हैं और इसमें घास भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और बेल तो काफ़ी कम है। बहुत कल पड़ी थी पहले ये वाले उम्र आ गए तो ये तुम्हारे होंगे सारी में चलो आ गए एक बार लो ये वाले उम्र रखो दो ये वाले ये मेरे पल्ले दो रखो यो वाला यो मेरा यो यो हाँ पल्ला यो मेरा ये
देख सकते हैं शेडी में काफी ज्यादा घास है और दो भेल में अभी काफी छोटे हैं। वाइट पड़ गई तो पेड़ कहाँ हो रहा है, बड़ा भी ना जाएगा इसमें। एक ही और दो तीन है तो हैप्पी होगा। है कोई पेड़ था दोस्तों, हमने दो बीघे की बेल उपाड़ दी है इधर की, और हम पानी की बोतल लेकर आए थे और ये रही। अब मैं उठाता हूँ और दोस्तों हमारा और कुछ पेड़ी आगे है, इधर है दोस्तों, आपको वहाँ पर जा रहा हूँ और उसमें 3 बीघे हो रहा है और उसमें और उपाड़ेंगे हम बेल। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं गन्ना काफ़ी यहाँ खूबसूरत है, ये मक्की चली है। और आगे चल के मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगा कि वे 3 बीघे का खेत का गन्ना कैसा हो रहा है। दोस्तों हमने इस वाले खेत की भी बेल उपाड़ दी, जो कि आए थे हम वहाँ से आ गए थे कम से कम 5 बजे इस खेत में आ गए थे हम, और इस खेत की जो बेल उपाड़ दी। और अब हम घर जाएंगे और घर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों हम खेतों पर से आ गए हैं जो कि गए थे बेल उपाड़ने, और हमारी यहाँ का आप व्यू देख सकते हैं। और दोस्तों आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करना एंड शेयर करना एंड कमेंट करना।